हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों देखो, मैं औरत लग रही हूँ, प्रॉपर औरत लग रही हूँ, क्योंकि मैंने औरतों वाले पूरी हरकत की है। मैंने गोल्ड के इयररिंग्स डाले हैं, चैन डाली है, एंड सिंदूर भी दिख रहा है आज मेरा, एंड बिंदी भी सामने दिख रहा है। ये देखो कड़े, ये मेरे नहीं है, ये माँ के कड़े हैं। मैंने बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब होता ना कि दबा दबा के पहना है, एंड ये मेरे हाथों में आ नहीं रहे थे। दोस्तों मेरे पास कोई कड़ा ही नहीं है, इसके वजह से मुझे माँ के कड़े पहनने पड़े। अगर कड़े नहीं है, बिना कड़े के मैं वहाँ जा नहीं सकती, या तो फिर मुझे चूड़ी पहनना पड़ेगा। एंड चूड़ी जो है ना, मेरे हाथों में टिकता नहीं है, मतलब जो चूड़ी है भूत भूत टूटता रहता है, मतलब हर दो दो मिनट पर चूड़ी टूटेगा। ऐसा है क्या ना कि मैं हाथ ऐसे वैसे काफ़ी करती रहती हूँ ना, इसके वजह से। खैर कोई नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैंने रेड साड़ी डाला है। ये देखो आप, मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड फाइनली, मतलब जो होता है ना बहुओं वाला लुक आपको देखने को मिला। इतना दिनों तक मैंने ऐसा कभी लुक नहीं दिखाया ना आपको। दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ, आंसू शर्ट पहन रहे हैं, एंड अभी हम लोग निकलेंगे, क्योंकि आंसू को भी लेट हो जाएगा। आंसू जाएंगे मामा के घर, मुझे छोड़ देंगे, एंड वहाँ से रिटर्न आएंगे, क्योंकि आज उनका ऑफिस भी है, एंड मामा के घर का जो पूजा है कल है, तो मैं रहने वाली हूँ आज कल परसों, मैं नर्सों आऊँगी। ओके, तो मैं अब दिखाऊँगी आपको अपने मामा का घर, वहाँ के लोगों से मिलवाऊँगी। मेरे मामा बहुत सारे हैं, सबका घर दिखाऊँगी, सबके घर जाऊँगी, मैं घूमने भी जाऊँगी। तो कुल मिला के बोले तो मैं अपना पूरा मामा का घर बोल लो, ममहर बोल लो, सब दिखाने वाली हूँ आपको। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहो। दोस्तों मैं यहाँ से निकलूँगी तो मैं तो पूरा घूंघट लूँगी यहाँ तक, तो मैं ब्लॉग करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरा ये वाला गांव निकल जाएगा ना, देन मैं घूंघट हटा दूँगी, एंड कोशिश करूँगी कि मतलब अगल बगल या फिर रोड, चाहे होता है ना जो बॉर्डर यूपी बिहार का, अगर दिखा मुझे घूंघट हटाने के बाद से, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ओके, ये देखो, ये है मेरा दुल्हन वाला लुक। ये जो पिंपल्स अभी तक गया नहीं है, मैं पसीने में डूब चुकी हूँ, मैं निकल रही हूँ, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी ही देर में। सो मिठाई खरीद रहे हैं, क्योंकि हम खाली हाथ जा नहीं सकते ना, इसके वजह से, एंड फिर हम लोग निकलेंगे आगे। हम लोग कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं है, मैं आंसू से पूछी भी नहीं। हम लोग पहुँच चुके हैं पेट्रोल पम्प पे, यहाँ पर पेट्रोल भरा जाएगा, देन आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी कुसौंदी में है। हम यूपी में पहुंचने वाले हैं। ये जो पुल आप देख रहे हो, इसके उस पर यूपी है, एंड इस पर बिहार है। तो फाइनली दोस्तों हम यूपी में आ चुके हैं, एंड यूपी मींस उत्तर प्रदेश में यूपी से हो, एंड यूपी में भी बहुत ज़्यादा हरियाली है। ये जो आप सामने घर देख रहे हो, ये न्यू बना है, यही मेरे मामा का घर है। आप देख सकते हो इसका लुक बाहर से, मतलब ऐसा दिखता है, ये अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। एक सेकंड, मिलिए सचिन से, नन्हे से, बाकी लोग से मिलाती हूँ थोड़े टाइम में। आंसू जा रहे हैं, मुझे छोड़ दिए हैं, एंड सचिन जा रहे हैं आंसू के साथ, सचिन आ जाएगा वहाँ से। ओके, मैं आपको थोड़ी देर में दिखा रही हूँ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मामा के घर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, एंड अभी सारे रूम में पंखे वगैरह नहीं लगे हैं, एंड यहाँ पे लाइट का भी प्रॉब्लम है। देख रहे हो क्या हालत हुई है, मतलब पूरा चेहरा रेड रेड सा पड़ रहा है। मैं इधर रूम के जंगले के पास हूँ, सॉरी खिड़की के पास हूँ, ताकि थोड़ा सा हवा आए एंड मैं सांस ले सकूँ, ये वाला चीज़ है। एंड चलिए आप लोगों को मैं मिलाती हूँ लोगों से, कि यहाँ पे कितने लोग हैं एंड क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, पंडाल सज रहा है। दोस्तों ये मेरी नानी है, एंड ये हमारे मामा हैं, ये ठकुराइन है, नमस्ते। एंड यहाँ पे पूजा का काम चालू है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे क्या हो रहा है। ये मेरे मामा का लड़का है बड़ा वाला, एंड वो मेरे मामा का छोटा वाला लड़का है, एंड ये मेरा भाई, एंड ये गोलू है, ये मुझसे बड़ा है थोड़ा सा। अबे हट सचिन। ओके, एंड ये मेरे मामा का बड़ा लड़का है,
ओके एंड यहाँ पे सामान आया है, अभी थोड़ी देर में पूजा चालू होगा। एंड इधर पंडाल सजा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। गोलू हटो तो, ये देखो अभी प्रॉपर रेडी नहीं है बट ये हो रहा है, थोड़ा सा टाइम जाएगा, जब हो जाएगा मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। आइए मैं आपको अपने मामी से मिलाती हूँ। आपको मामी इधर खाना बना रही है। इधर खाना क्यों बना रही है, क्योंकि अभी जो न्यू घर है ना उसकी पूजा नहीं हुई है तो उसमें खाना नहीं बना सकते, इसलिए बाहर बना रही हैं मामी। हाँ तो सचिन आ गया। सचिन अपना हाथ दिखा, इसके हाथ पे बहुत सारे दाने आए। ये हाथ दिखाने के लिए नहीं बोला, ये वाला दिखा। ये देखो इसको मच्छर ने बहुत सारे मच्छर काटे हैं, मच्छरदानी में नहीं सोया था बेचारा, इसका फेस देखो। फाइनली दोस्तों मैंने आपको सबसे मिलवा दिया। यहाँ पे फिलहाल में जितने लोग हैं, अभी बहुत सारे गेस्ट नहीं आए हैं, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से शाम तक सारे गेस्ट आ जाएंगे, आज शाम को नहीं आएंगे तो कुछ कल सुबह आएंगे, ऐसा करके है। एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ साड़ी की वजह से, मैं जा रही हूँ साड़ी खोलने। ये जो साड़ी है ना, इसे बहुत सारे सितारा मोती मतलब लगा हुआ है, एंड ये ना इसे शरीर को नोच रहा है। वाओ, यहाँ पे थोड़ी सी हवा आ रही है ठंडी, एंड अच्छा लग रहा है। मैं इसको खोलूँगी ना साड़ी तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँगी। एंड ओ गॉड, मुझे तो लगा कि मेरी चूड़ी गई। एंड ये जो चूड़ी है ना बहुत मुश्किल से हटाया, आपको तो पता है मैंने बताया ही था। मैं जा रही इसको भी खोल लें, एंड देखने जो पतला पतला सा होता है ना वो डालूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, ऐसे हाथ उठाना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। एंड ये जो है ना ये सारे चुभ रहे हैं मेरे गले में। एंड मैं भी जा रही हूँ देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। मैं भी आई हूँ तो थोड़ा लोगों से मिलूँगी जुलूँगी, बातें बातें करूँगी। एंड रहा सवाल ही सारी चीज़ों का, मतलब पंडाल का या फिर सारे गेस्ट आएंगे, वो उन लोगों से मैं आपको कल मिलाती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।